हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू कैसे बनती है और धनतेरस पर लेना इसको शुभ माना जाता है। मेहनत बहुत लगती है, मेहनत बहुत लगती है। ये मुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नु पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते नागे तो भीख मंगा। अच्छा, फिर ये तैयार होता है, ये बना के फिर इसे रबड़ लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे इधर, हाँ ऐसे लगाएगा। अभी बांध रहा, अब इसमें ऊपर टूब प्लेटेगा, अभी इसमें टूब प्लेटेगा इसमें। अच्छा अच्छा, टूब प्लेट के बाद फिर ये ऐसा करेगा, ऐसा करके फिर ये ऐसा होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये यहाँ से कटिंग होगा, कटिंग होगा। देखो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये ऊपर से कटिंग करती है, कटिंग होती है। जब ये माल तैयार होगा साहब, ये बिल्कुल तैयार कौन सी है? बिल्कुल तैयार कौन सी होगी? सब हो गया तैयार, ये सिर्फ कटिंग करना बस। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ बेचने जाएंगे बस। कितने रुपए की है भैया? कितने पैसे की है? इससे बड़े भैया 50 की बेचते, 40 की बेचते थे, जो बंदे के ऊपर से लेता है वो। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 50 रुपए की है। धनतेरस को बिकेगी ये? धनतेरस को बिकेगी, बहुत शुभ होती है। बहुत झाड़ू लेते हैं ना बंदे, धनतेरस को लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी मानते हैं इसको। बहुत बढ़िया लगे बंदे ले जाते हैं इसको। ये पंचकुला में है जी, टाउन पार्क के पास। ठीक।